हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा सलामी। आज ये मेरी नई मोबाइल है जिस पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और नई मोबाइल लेने की खुशी में मुझे एक मजबूर लाचार आदमी दिख गया, जिसमें वो खाना मांग रहे थे। हम भी होटल में खाना खा रहे हैं ये हमारे भाई हैं, ये चाचा हैं, और ये मेरा फ्रेंड दोस्त है, जिसमें हम लोग खाना खाने बैठे हैं। और एक मजबूर लोगों ने खाना खाने की डिमांड की है, तो मैं उनको खाना दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये पुनिया घर से गए तो गए, ये देखिए हमारी चाची जैसे सामान है, और ये भैया हैं। तो यहाँ के चौक पति चौक पर, ठीक ठीक ठीक। अगर चाची तो चाचा हुआ, अगर या इसको भैया बोलेंगे तो ये भाभी हो गया, चाहे जो भी समझ लिया आप। ये आँख से नाबीना है और इनका घर समेसर है। गाँव कुंडा कौन सा? टप्पू गांव के हैं ये, और ये होटल में मिले हैं हमको। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो होटल वाले के पास बोल रहा था कि थोड़ा सा खाना दीजिए, तो होटल वाले तो आपको पता ही है कि खाना देंगे नहीं वो। तो मैंने इनको बैठाया हूँ होटल पे और इनको खाना खिला रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका पैसा मैं पे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार दुलार देते रहिए, मुझे पैसे आएँगे और मैं गरीबों का मदद करूँगा। आपको पता ही है कि मैं एक बार मुखिया पद पर आया था तो जीता नहीं, बल्कि हार चुका हूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इसी तरह से आप लोगों का साथ रहूं और गरीबों का मदद करूं। सब्जी दवा हो, सब्जी दे सर, गोश्त दे, उसका जिस ना गोश्त दे सर, गोश्त दे। तो ये भाई देखो पाशे वहाँ कर, देखो पाशे, देखने से नाबीना है, मजबूर है और चलता भी है। तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों साथ में चलते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिए वो उनके खाने अपने पति के खाने को जो है ये एक जगह समेट के देते हैं, तब वो खा पाते हैं, ऐसे तो नहीं खा पाते हैं। देखिए जब आओ दे इसकी मिट दे, नहीं मिट दे कहाँ मिट दे लो, सब्जी दे आडो सब सब्जी दे। देखिए ये भाई नाबीना है और इनके घर बता रहे हैं कि समय सर टप्पू हैं इनके घर, जो ये लाचार हैं, मजबूर हैं। जो कोई भी देख रहे हैं तो इनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। ये देखिए हम भी खाना खाने बैठ रहे हैं, भाई का पैसा हम पे करेंगे, वो भाई खाने बैठे हैं अभी। मीट है, खस्सी वाला मीट है, बोलो भाई, खस्सी का मीट है। और हम लोग खाने बैठे हैं, मुझे दांत में दर्द है ना, मैं आलू और परवल से खाता हूँ, और हमारे जो मीता हैं वो मीट से खाते हैं, खस्सी का मीट। चाचा भी सामने बैठे हैं, कश्मीर का फुलका हम लोग खा रहे हैं और आप लोग को भी खिलाएंगे इंशाल्लाह, मौका मिलेगा जी जी। भाई की शादी नहीं हुआ है अभी, इंशाल्लाह जरूर इनवाइट करेंगे। हम तो शादी कर चुके हैं, आप लोगों को पता है कि चार बच्चे हैं, मेरा एक बीवी है। तो हम नहीं कर पाए थे दावत क्योंकि आप लोगों से हमारी उस टाइम रिश्ता नहीं था, अब सब कोई मेरे फ्रेंड हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर शादी होगी तो ज़रूर आप लोग को इनवाइट करूँगा, वीडियो में बता दूंगा इनवाइट। ऐसे तो खैर घर घर नहीं जा पाऊँगा, एक वीडियो में आप लोग को इनवाइट कर दूँगा तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ में, आगे दिखाएंगे आपको। तो हम लोग खा रहे हैं खाना ऑलरेडी, ये होटल वाले हैं, चाचा हैं मेरे, रेणी के होटल पे खाए थे खाना, और ये खाना खा लिए हम लोग, हाथ धोएंगे। और ये छोटा चाचू देखिए खाना खाने से पहले मधु हाजिर कर दिया है, पता नहीं मेरे लिए प्लस लाया कि नहीं। देखिए मेरे लिए प्लस भी लेके आ गया, वाह देखिए इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकता है। देखिए हम प्लस खाते हैं, हम मधु गुटखा तम्बाकू खाने पीने कुछ नहीं खाते हैं। और ये छोटू है जो इस होटल पर रहते हैं, हम लोग को अच्छा सा खाना खिलाया, सेवा किया। देखिए वो बोल रहा है वीडियो बना लीजिए बढ़िया से, है ना। हाँ ठीक है, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा, बिल्कुल हवा की तरह उड़ा दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।